हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है लिवर। और मैंने लिवर को आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या करा है, लिवर को चार पार्ट्स में डिवाइड करा है। यह है अपनी पार्ट वन वीडियो, जिसके ऊपर अपन पूरा लिवर की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे और उसका एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। देन अपन लिवर के पार्ट टू में देखेंगे लिवर के जितने भी रिलेशन जो होते हैं ना, मतलब लिवर की सारी सर्फेसिस के अपन रिलेशन देखेंगे पार्ट टू वीडियो में। देन अपन इसके पार्ट थ्री वीडियो में देखेंगे लिवर के लिगामेंट, और जो लिवर्स के जो लिगामेंट जो होते हैं ना, उसके ऊपर क्या है यूनिवर्सिटी में अलग से एक शॉर्ट नोट भी वो पूछ लेता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी में आपको लिख के आना है। देन इसके लास्ट पार्ट में, पार्ट फोर में, अपन लिवर का देखेंगे, लिवर का ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिवर के क्या कुछ सेगमेंट्स होते हैं, मैं आपको उसमें लिवर के सेगमेंट्स भी बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा लास्ट वीडियो में किसे किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन में, और मैं सारे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं लिवर के फीचर्स, और लिवर के बारे में जो है ना बेसिकली अपन को थोड़ा आइडिया होता है, अपन नीट वगैरह में पढ़ के आते हैं। तो आज अपन इसको पूरा डिटेल में देखते हैं और उसको फर्दर किस तरीके से लिवर होता है। तो ये जो है बेसिक लाइन है कि लिवर, सबसे पहले अपन को पता है कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड है अपने पूरी बॉडी का। देन लिवर क्या सिक्रेट करता है, लिवर जो है अपना बाइल जूस सिक्रेट करता है, उसके अलावा वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन जो है लिवर परफॉर्म करता है। उसके अलावा अब देखते हैं इसकी सिचुएशन कि एक्चुअली में लिवर जो है कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो लिवर जो है आपका राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में जो है सिचुएटेड होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ, तो आपको क्या है क्लियरली इस डायग्राम से जो है समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली में अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको क्या क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये जो है अपन ने एब्डोमिन को क्या करा है, कुल मिला के 9 क्वाड्रेंट्स में अपन डिवाइड करते हैं। और उसको मैंने डिटेल में आपको मेरी स्टोमक की वीडियो में भी बताया था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या हूँ, पहले ही अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, पेल्विस जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। देन अब मैं जो है आपको एब्डोमिन अपलोड कर रहा हूँ, उसमें भी मैं आपको स्टोमक पूरा पहले ही बता चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल को अच्छे सब्सक्राइब कर लो, तो मैं इसी तरीके से जो है सारे एनाटॉमी के वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए। तो मैंने आपको स्टोमक की वीडियो में यह बताया था कि एब्डोमिन के ऊपर जो है 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे ऊपर अगर अपन देखें तो ये क्या है, इस साइड है अपना राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ये है अपना एपिगैस्ट्रिक रीजन, और ये है अपना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। तो अच्छे में लिवर क्या होता है, अपना राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन तक एक्सटेंड करता है। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये अपना पूरा लिवर है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेकर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक आपका एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि लिवर की लोकेशन क्या है, सबसे पहले आपका है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, देन इसका जो ग्रेटर पार्ट है वो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन में रहता है, देन ग्रेटर पार्ट इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन ये एक्सटेंड कहाँ तक कर जाता है, अप टू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक ये जो है एक्सटेंड करता है। देन फिर अपन आते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर पे। तो इसका एक्सटर्नल फीचर जो है वो मुझे आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको लिवर का जो है 3D मॉडल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लिवर के जो सर्फेसेस होती है ना वो मैं आपको 2D में नहीं दिखा सकता, क्योंकि लिवर के जो सर्फेसेस जो है ना वो अपन 2D में अच्छे से समझ के इमेजिन नहीं कर सकते। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा पूरा लिवर का 3D मॉडल। तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, लिवर को मैं फर्दर और सेपरेट कर लेता हूँ, तो क्लियर आपको जो है लिवर देखने को मिलेगा। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो लिवर जो है उसकी कुल मिला के अपने रहती है 5 सर्फेसेस। सबसे पहले ये अपन इंटीरियर में देख रहे हैं, तो ये इसकी होगी इंटीरियर सर्फेस, देन इंटीरियर के जस्ट पीछे अपनी ये होगी इसकी पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो इसकी एक हो गई इंटीरियर सरफेस, देन अब आप 3D मॉडल में भी देख पा रहे हो, ये हो गई इसकी एक पोस्टीरियर सरफेस, देन इसकी एक होगी सुपीरियर सरफेस, ये ऊपर वाली, देन ये एक होगी इसकी सुपीरियर सरफेस। अब जैसे सुपीरियर है तो एक इन्फीरियर भी हो गई, देन ये इसकी हो गई इन्फीरियर सरफेस, ये अच्छे से आप देख लो, क्योंकि इसकी इन्फीरियर सरफेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन्फीरियर सरफेस के रिलेशन। तो पूरी इसकी हो गई आपकी इन्फीरियर सरफेस, देन लास्ट में इसकी क्या होती है, एक होती है राइट सरफेस। तो कुल मिला के इसकी 5 सरफेस हो गई। और अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट 2D में बताता ना तो तुम्हें सरफेस इमेजिन नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने तुम्हें 3D मॉडल दिखाया। अपन ने 5 सरफेस इसकी देख ली, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और एक राइट सरफेस। तो ये जो थी सबसे पहले 5 सरफेस जो है अपनी जो है लिवर पे रहती हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, लिवर की जो रहती है ना सिर्फ एक ही प्रोमिनेंट बॉर्डर रहती है। अगर आप उस डायग्राम में भी देख पा रहे हो तो आपको क्लियरली दिख पाएगा, ये जो नीचे वाली ये जो बॉर्डर है ना, अगर आप 2D डायग्राम में देखो तो ये वाली बॉर्डर, तो इस बॉर्डर को अपन बोलते हैं इन्फीरियर बॉर्डर। तो लिवर के अंदर होती है 5 सर्फेसेस और उसकी होती है एक बॉर्डर, वो होती है आपकी इन्फीरियर बॉर्डर। अगर आप पूरी तरीके से देखो
तो आप क्लियरली देख पा रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ इसकी एक ही बॉर्डर होती है, प्रोमिनेंट बॉर्डर, जो है इसकी एक इन्फीरियर बॉर्डर। उसके बाद लिवर को जो है अपन दो लोब्स में डिवाइड करते हैं, एक इसका होता है राइट लोब जो कि आपका बड़ा होता है, देन दूसरा आपका होता है लेफ्ट लोब। ये बात अपन को अच्छी तरीके से पता है। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो आपको क्लियरली जो है इसके दोनों लोब दिख पा रहे होंगे, ये है राइट लोब देन ये है इसका लेफ्ट लोब। तो एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर आपके कुछ लिगामेंट प्रेजेंट रहते हैं, वही इस दो लोब्स को डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें 3D मॉडल में तो आपको देखेगा कि जो इंटीरियर में ये जो लिगामेंट है ना, इसी लिगामेंट को अपन बोलते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। मैं आपको क्या 2D में भी यहाँ पे जो है हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपको क्या ये सारे लिगामेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, उनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो लिवर की एंटीरियर सरफेस है उसका डायग्राम अगर अपन बनाएं तो बड़ा इजीली बन जाएगा। आप डायरेक्ट लिवर बनाना, देन उस पर ये एक जो है इसका एक लिगामेंट बना देना, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो लिवर के एंटीरियर में जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है वो क्या कर रहा है, लिवर को दो लोब्स में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया आपका राइट लोब जो कि आपका बड़ा होता है, देन ये आपका हो गया लेफ्ट लोब। देन यही फेल्सिफॉर्म लिगामेंट अगर आप देखो सुपीरियर साइड में क्या कर रहा है, दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। और ये जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है वो आपका इंटीरियर सरफेस में तो लिवर को दो पार्ट्स में सेपरेट कर ही रहा है, वहीं सुपीरियर में भी ये दो लोब्स में इसको डिवाइड करवा रहा है, सेपरेट करवा रहा है। देन फिर सिमिलरली अगर अपन, मैं आपको क्या इसको ये सारी स्ट्रक्चर जो है अदर स्ट्रक्चर को मैं हाइड करूं तो आपको क्लियरली जो है फिर और अच्छे से दिखेगा। यहाँ से मुझे आपको पैनक्रियाज भी हटाना पड़ेगा। और जब भी आप पढ़ो ना, आप भी इस तरीके से 3D मॉडल का ओपन करके पढ़ा करो ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें इमेजिन हो पाए। देन अब अगर आप देखें ये जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है यही आपके पीछे के साइड में एक्सटेंड कर रहा है। तो ये वाला अगर अपन डायग्राम देखें, ये एक्चुअली में क्या है, लिवर का इन्फीरियर सरफेस का डायग्राम है। यहाँ पे आपको एक ये वाला लिगामेंट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो है एक लिगामेंट का फिशर दिख रहा होगा। फिशर मतलब हल्का सा कट या ग्रूव आप उसको बोल सकते हो। तो इसको अपन बोलते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। ये भी आपको नाम याद करना है तो अब अच्छी तरीके से याद कर लेना कि क्या होता है ये जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है इंटीरियर में। मैं आपको 3D दिखा रहा हूँ ना तो सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है यही क्या पीछे की तरफ ये एक्सटेंड करता है और उसी को अपन बोलने लगते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। और ये जो फिशर फॉर्म लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस है ये आपका इन्फीरियर सरफेस में क्या कर रहा है, दोनों लोब्स को सेपरेट करवाने में मदद करवा रहा है। फिर अब अपन इसका देखते हैं पूरा इन्फीरियर सरफेस लिवर का, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इन्फीरियर सरफेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके करना सबसे पहले पूरा एक लिवर बना देना। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा हो, ये है आप इस, तो यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा फिशर, इसको अपन बोलते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। ये सारे आपका नाम याद करने पड़ेंगे। एक्चुअली में जब अपन सारे इसके लिगामेंट देखेंगे ना तो आपको सारे इसके फिशर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको ये नाम याद करने हैं। अगर आप इसमें देखो तो इसको अपन कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और यही फिशर आगे जाके अपना बनाता है पोटा हेपेटिस। तो रूट ऑफ, जिस तरीके से हमने रूट ऑफ लंग्स में देखा था कि रूट ऑफ लंग्स वो स्ट्रक्चर से बनता है जो लंग्स के आइदर एंटर हो रहे हो और लंग्स के एग्जिट हो रहे हो, सिमिलरली पोटा हेपेटिस में भी यही है। पोटा हेपेटिस जो है ये लिवर का वो वाली जगह है जहाँ से लिवर के लिए हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन जो है एंटर करती हैं और बाइल डक्ट जो है एग्जिट करती हैं। तो अगर मैं आपको 3D मॉडल में दिखाऊं तब आपको क्लियरली अच्छे से इमेजिन होगा। ये आप अगर यहाँ पर देख रहे हो, ये आपको यहाँ पर फिशर जैसा दिख रहा है ना, ये मैं आपको और बड़ा करता हूँ तो आप क्लियरली एक फिशर दिख पा रहा होगा। इसी फिशर को अपन बोलते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। और ये जो फिशर है आगे जाके आपका राउंड होके बनाता है पोटा हेपेटिस। और आप ये देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन के लिए जगह दिख रही होगी, क्योंकि यहीं से हेपेटिक आर्टरी हेपेटिक वेन एंटर होती है और ये जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट जो है यहाँ से एग्जिट हो रही है। मैंने आपको पूरा इसका इन्फीरियर सरफेस के स्ट्रक्चर बताया। अब क्या होता है, ये जो आपकी जो लिगामेंटम वेनोसम है ये भी क्या कर रही है, आपका इन्फीरियर सरफेस में लिवर को दो लोब्स में डिवाइड कर रही है। इस साइड आपका लेफ्ट लोब, इस साइड आपका हो जाएगा राइट लोब। तो पूरा मैंने आपको बताया इसका इन्फीरियर सरफेस। देन अगर आप ध्यान से देखो ना, ये 2D डायग्राम है, इसमें आप क्या इन्फीरियर और पोस्टीरियर सरफेस को सेपरेट नहीं कर पाऊंगे क्योंकि एक्चुअली में क्या रहता है 3D में रहता है।
तो अगर आप देखो, मैं अगर इस पेन को रख के बताऊं तो क्या, इस मार्कर के ऊपर जितना भी एरिया है ना वो है आपका पोस्टीरियर सरफेस, और उसके नीचे वाला एरिया जो है ना वो है आपका इन्फीरियर सरफेस। तो अगर आप 3D में देखो तो आपको समझ में आएगा ये है इन्फीरियर सरफेस, देन मैं जब इसको पोस्टीरियर में लाऊं तो ये है इसका पोस्टीरियर सरफेस। तो क्या बिना इसको 3D में देखे लेवर को पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। देन फिर आपको मैं बताऊँ क्या रहता है लेवर के जस्ट पोस्टीरियर सरफेस में, आपका आ जाती है इन्फीरियर विने कावा। इस डायग्राम में भी बना है इन्फीरियर विने कावा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मुझे ईसोफेगस हाइट करूँ तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, यहाँ पे आपको ग्रूव दिख रहा है ना, ये जो ग्रूव है ये एक्चुअली में अपने इन्फीरियर विने कावा के लिए ग्रूव है। तो यहाँ पे आपका इन्फीरियर विने कावा कुछ इस तरीके से जो है सिचुएटेड हो जाती है। देन इन्फीरियर विने कावा के अगर अपन इस साइड देखें राइट साइड में, तो आपको पूरा एक एरिया दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर एरिया। इस ट्रायंगुलर एरिया को अपन बोलते हैं बार एरिया। ये चीज़ें आपको याद करनी है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं और कौन कौन से एरिया का क्या नाम है। तो ये आप इन्फीरियर विने कावा के राइट साइड में ये जो एरिया है इसे अपन बोलते हैं बार एरिया। तो अब मैं आपको क्या, ये लोअर सरफेस का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको तुम अच्छे से याद कर लेना तो तुम्हें सारे फीचर जो है लिवर के ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे। तो मैं आपको उसको बनाना बताता हूँ। तुम क्या करना, सबसे पहले डायरेक्ट लिवर बना लेना, उसके बाद यहाँ पे अपन को गॉलब्लैडर दिख रहा है ना, तो आप ये गॉलब्लैडर बना देना। फिर आप क्या करना, फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम बनाना, उसको भी पोटा हेपेटिस बना देना। देन नीचे के साइड आप एक और बनाना लिगामेंट, फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। देन फिर आप ये इन्फीरियर विने कावा बना के यहाँ पे पूरा बार एरिया बना देना। और मैंने क्या तुम्हें एक बार 3D में भी दिखा दिया ना, तो सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से इमेजिन हो गई होंगी। तो ये अपन ने पूरे इसके सारे फीचर्स अपन ने देख लिए लिवर के। अब मैं आपको इसके इन्फीरियर सरफेस को फर्दर थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली में क्या रहता है कि जो अपना पूरा राइट लोब है, इस राइट लोब को अपन फर्दर और लोब्स में डिवाइड करते हैं स्टडी करने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि जो इन्फीरियर विने कावा जो है ना, इस इन्फीरियर विने कावा के अगर लेफ्ट में आप देखें तो आपको इतना ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, इसी एरिया को अपन बोल देते हैं क्वाड्रेट लोब। अभी आप सिर्फ नाम सुन लो, इसको अपन क्या और फर्दर डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। तो इन्फीरियर विने कावा के लेफ्ट में ये जो आपको स्पेस दिख रही है पोटा हेपेटिस के जस्ट ऊपर, इसको अपन बोल देते हैं क्वाड्रेट लोब। अगर आप इस डायग्राम 3D मॉडल में देखें तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा इन्फीरियर विने कावा के जस्ट साइड में ये वाली जगह, इसको अपन बोल देते हैं क्वाड्रेट लोब। सिमिलरली पोटा हेपेटिस के नीचे वाला ये वाला जो एरिया है ना, इसे ही अपन बोल देते हैं क्वाड्रेंगुलर लोब। तो अच्छे से याद कर लेना कि जो राइट लोब होता है ना, उसको फर्दर अपन और दो लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, एक पोटा हेपेटिस के ऊपर क्वाड्रेट लोब, दूसरा पोटा हेपेटिस के नीचे और गाल बेडर के लेफ्ट में ये वाला, इसे अपन बोल देते हैं क्वाड्रेंगुलर लोब। उसके अलावा इन्फीरियर विने कावा के साइड वाले एरिया को तो अपन बोलते ही हैं बार एरिया। तो अपन ने क्या फर्दर राइट लोब को अपन ने और दो लोब्स में और एक बार एरिया में अपन ने डिवाइड करा है, ताकि अपन इसको फर्दर और अच्छे से डिटेल में स्टडी कर पाएँ। तो अब मैं आपको क्या राइट लोब को और अच्छे से डिटेल में बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। तो अब अपन इसका एक्सटर्नल फीचर में देखें तो लिवर की कुल मिला के आपकी हो रही है 5 सर्फेसेस, एक इंटेरियर, फिर पोस्टेरियर, फिर सुपीरियर, एक इन्फीरियर और एक राइट सरफेस। ये सारी मैंने आपको 3D में बताई थी। देन फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पर सिर्फ आपकी एक प्रोमिनेंट बॉर्डर होती है, जिसको अपन बोलते हैं इन्फीरियर बॉर्डर। ये आपको इसमें भी दिखेगा, ये जो है ये इन्फीरियर बॉर्डर है। और इन्फीरियर बॉर्डर एक्चुअली में कर क्या रही है, वो आपके सेपरेट कर रही है इंटीरियर सरफेस को, और उसका पीछे जो सरफेस है ना, ये है अपनी इन्फीरियर सरफेस। तो ये लाइन अच्छे से याद करना, मैंने यहाँ पे बोला है इंटीरियर सरफेस को सेपरेट कर रही है इन्फीरियर सरफेस से, ना कि पोस्टीरियर, क्योंकि 3D में जब देखते हैं ना तब आपको इमेजिन हो पाता है। तो इसलिए मैंने आपको क्या 3D में बताया। और यार मेरी टीचिंग मेथड ही ऐसे है, हर चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3D मॉडल दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से इमेजिन हो पाए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी सारी एनाटॉमी जो है फिंगर टिप्स पे आपके लिए हो जाए। देन फिर अपन देखें इसके लोब्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो लिवर है उसको अपन ने दो लोब्स में डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट लोब। देन अगर अपन देखें कि राइट और लेफ्ट लोब कैसे डिवाइड होते हैं, तो सबसे पहले फेल्जिवम लिगामेंट, मैंने आपको दिखाया भी था मॉडल में,
ये आप क्लियरली इस जगह पे भी देख लो कि जो फेल्जिफॉर्म लिगामेंट जो है ये क्या कर रहा है, इंटीरियर में दोनों लोब्स को डिवाइड कर रहा है। देन सिमिलरली क्या होता है, जो फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस था ये आपके इंफीरियर सरफेस में दोनों लोब्स को डिवाइड करता है। देन फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, ये रहा ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम आपके दोनों लोब्स को पोस्टीरियर में आपके डिवाइड कर रहा था। देन अपन देखते हैं अब राइट लोब को फर्दर और डिटेल में। तो राइट लोब अपन को पता है राइट लोब अपना लार्जर होता है लेफ्ट लोब से। देन राइट लोब में अपने प्रेजेंट होते हैं क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेंगुलर लोब, ये मैंने आपको इसमें भी बताया था। ये वाला आपका जो है ये है क्वाड्रेट लोब, देन ये नीचे है आपका क्वाड्रेंगुलर लोब। तो आपको क्या यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से लिखोगे क्वाड्रेट और क्वाड्रेंगुलर लोब, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको सबसे पहले इसका सिचुएशन लिख देना कि कहाँ पे सिचुएटेड है। देन आप इसके लिख लेना बाउंड्री किस तरीके से बाउंडेड हो रहे हैं। और यार ये बड़ा ही ईजी है, अगर आपको ये इन्फीरियर का डायग्राम आता है ना इसके इन्फीरियर सर्फेस का, तो यार सही बताऊँ तो आपको दो डायग्राम तो याद करने ही पड़ेंगे लिवर में, एक इसका इंटीरियर दूसरा इसका इन्फीरियर सर्फेस का। क्योंकि ये जो है जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं ना तो उसमें दो डायग्राम तो बना के आने ही होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने क्या अपर लिम लोअर लिम हर जगह पे अपन ने किसी भी चीज़ की बाउंड्री या कंटेन अपन कैसे याद करते हैं उसके डायग्राम से। अपन को भी यहाँ पे भी यही काम करना है। फर्दर अपन को क्या हार्डवर्क मत करो, चीज़ें रटो मत, आप सिर्फ डायग्राम याद करो और जैसा डायग्राम में लिखा होता है वैसा का वैसा लिख के आ जाओ, तो आपका कम मेहनत में ज़्यादा आपके काम हो जाएंगे। तो अब आप उसमें देखो, अभी जो क्वाड्रेट लोब है ना सबसे पहले सिचुएटेड कहाँ होता है, तो ये अपना सिचुएटेड है पोस्टीरियर सरफेस में। देन अब अपन इसकी देख रहे हैं बाउंड्री, तो आप बिल्कुल क्या इस डायग्राम में देखो इस क्वाड्रेट लोब के राइट साइड में क्या है, तो इस क्वाड्रेट लोब के राइट साइड में आपको दिखेगा ग्रूव फॉर इन्फीरियर वीने कावा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है लिख देना कि इसकी राइट बाउंड्री कौन बना रहा है, ग्रूव फॉर इन्फीरियर वीने कावा। देन इसके लेफ्ट में अगर आप देखो तो लेफ्ट में आपका क्या है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, तो आप लेफ्ट में लिख देना फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। देन इस क्वाड्रेट लोब के इन्फीरियर में क्या है, इसके इन्फीरियर में आपका है पोटा हेपेटिस, देन आप इन्फीरियर में लिख देना पोटा हेपेटिस। देन सिमिलरली अपन को क्वाड्रेंगुलर लोब में भी यही करना है, पहले आप लिखोगे इसका सिचुएशन, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये अपने सिचुएटेड है इन्फीरियर वीने कावा पे। देन अब आप इसकी देखो बाउंड्री, तो आप इसकी बाउंड्री अगर देखो तो क्लियरली आपको दिखेगा ये क्वाड्रेंगुलर लोब की इंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, आपका बना रहा है इन्फीरियर बॉर्डर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना इन्फीरियर बॉर्डर। देन इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर बॉर्डर कौन बना रहा है, वो अपना बना रहा है पोटा हेपेटिस। देन पोस्टीरियर में आप लिख देना पोटा हेपेटिस। देन राइट साइड में आपका है गाल बेडर, तो राइट में लिख देना गाल बेडर, और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस, तो लेफ्ट में आप लिख देना फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस। तो बड़ा इजीली इसकी क्या बाउंड्री आपको अच्छे से आप लिख दोगे अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अगर तुम उसको याद करने पाओगे रटने पाओगे तो भाई ये नहीं रटाएंगे। तो आप मेरी ट्रिक अच्छे से याद करो कि सिर्फ डायग्राम देखो, वो डायग्राम देख के सब कुछ लिख दो। देन फिर अपन बात करते हैं इसके पोटा हेपेटिस पे, ये वाले एरिया पे। देन पोटा हेपेटिस पे, तो पोटा हेपेटिस क्या है, अगर आप देखो ये डीप ट्रांसवर्स फिशर है, ये मैंने आपको बताया भी था थ्री में भी लिगामेंटम वेनोसम, ये आगे जाके पोटा हेपेटिस बन रहा है। तो पोटा हेपेटिस आपका जो है वो डीप ट्रांसवर्स फिशर है, अबाउट 5 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है। देन सिचुएशन अब देखें, देन अपन इसको देखें कहाँ पे रहता है, तो ये जो है सिचुएटेड रहता है अपना इन्फीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, राइट लोब की इन्फीरियर सरफेस में रहेगा। देन ये किसके बीच में है, बिटवीन क्वाड्रेट अबव एंड क्वाड्रेंगुलर लोब लोअर। अगर आप अच्छे से देखो क्वाड्रेट लोब इसके ऊपर है, क्वाड्रेंगुलर लोब इसके नीचे, इन दोनों के बीच में ये है, बिटवीन में ये आपका पोटा हेपेटिस सिचुएटेड है। देन अपन देखें पोटा हेपेटिस पे क्या क्या चीज़ें एंटर कर रही हैं, तो ये आपको याद करना है कि पोटल वेन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक नर्व इसमें एंटर कर रही हैं पोटा हेपेटिस की जगह से लिवर के अंदर। देन राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक आपकी जो है इस जगह से लीव करती हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये पोटा हेपेटिस जो है ना अलग से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लिवर का एक लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही आपका इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा कभी कभी क्या है यूनिवर्सिटी में एक वेरी शॉर्ट भी आ जाता है, राइट द वेरी शॉर्ट ऑन पोटा हेपेटिस, तो आप क्या पोटा हेपेटिस को
अलग से प्रिपेयर कर लेना अच्छे से ये सारी लाइंस। देन फिर अपन देखें लेफ्ट लोब, तो लेफ्ट लोब में फर्दर ज़्यादा इसमें डिटेल लिखा नहीं है, यही लिखा है कि लेफ्ट लोब जो है आपका स्मॉलर होता है राइट लोब से। तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको लिवर बता दिया, और इसको किस तरीके से अपन को लिखना है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वो मैं आपको जो है इसके लास्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में अपन को सब कुछ लिखना पड़ता है, सारे फीचर्स, इसके एक्सटर्नल फीचर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। तो अपन जब सारे फीचर्स के कवर कर लेंगे देन मैं आपको ये वाले नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा मेरे लास्ट वीडियो में, और ये भी बताऊँगा किस तरीके से इसको लिखना है। तो आप मेरी अगली वीडियो की जो लिंक है आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप अगली वीडियो मेरी मिस मत करना। और इसी तरीके से आपको अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे डायरेक्ट चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको सारी जो है वीडियो मिल जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो अपनी होने वाली है इसके सारे रिलेशन पे, तो आप जो है मेरे साथ बने रहें और देखते रहें दीज आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।